हमें भी अपने जीवन में दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हालात कैसे भी हों, सकारात्मकता और धैर्य न छोड़े। दूसरी बात ये है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। आज हम आपको एक कहानी से माध्यम से सिखाएंगे कि कैसे आपको बुरे हालातों से लड़ना है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक लड़का निराश था और हिम्मत हार चुका था। तभी एक संत ने उसे समझाया निराशा से कैसे बचना चाहिए। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2.5 साल में काफी लोगों का जीवन पूरी तरह बदल गया है। बहुत से लोगों के अपने घर परिवार के लोग कोरोना की वजह से इस दुनिया में नहीं है। कुछ लोगों की नौकरी नहीं रही, किसी का व्यापार खत्म हो गया। अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन फिर काफी लोग निराशा का सामना कर रहे हैं। निराशा से कैसे बच सकते हैं, इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा में एक लड़का हिम्मत हार गया था और अपने जीवन से ही निराश हो गया था। वह आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन तभी उसे एक संत मिले और संत ने उस लड़के की सोच बदल दी। जानिए ये कहानी। एक लड़का घर परिवार और धन संबंधी समस्याओं से लड़ते लड़ते थक गया था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज के विवादों से तंग हो गया था। एक दिन हिम्मत हार कर वह आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफी दूर चलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था, वहां जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह लड़का झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा तो उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वह अपने जीवन में परेशान हो गया है और मरना चाहता है, इसीलिए इस जंगल में आया हूं ताकि किसी तरह से अपना जीवन खत्म कर सकूं। संत ने लड़के की बातें सुनी और समझ गए कि कम उम्र में मिले तनाव के कारण ये बहुत ज्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराशा से बचना चाहिए। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, समय एक सा नहीं रहता है। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। संत बोले, एक छोटे बच्चे ने एक दिन अपने घर में बांस का और एक कैक्टस का पौधा अपने घर के आंगन में लगाया। उसका बागवानी का नया नया शौक था। बच्चा रोज दोनों पौधों की एक समान देखभाल करने लगा। रोज सुबह शाम पानी देता, धूप छाम में पौधों का ध्यान रखता। काफी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधे में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। बच्चा सोचता था कि कैक्टस को पनप रहा है, लेकिन ये बांस के पौधे को क्या हो गया है। बच्चा रोज ये बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों की पौधों की देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय निकल गया, लेकिन कैक्टस की तुलना में बांस का पौधे में संतोषजनक प्रगति नहीं दिख रही थी। बच्चा अपने मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा कि बांस का पौधा पहले तो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में समय लगा, लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिशों में पीछे नहीं हटा, निराश नहीं हुआ। हमें भी अपने जीवन में दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि हालात कैसे भी हों, सकारात्मकता और धैर्य न छोड़े। दूसरी बात ये है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। एक बार एक नगर के राजा के यहाँ पुत्र पैदा हुआ। इस खुशी में राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी कि कल पूरी जनता के लिए राजदरबार खोल दिया जाएगा। जो व्यक्ति सुबह आकर सबसे पहले जिस चीज को हाथ लगाएगा वो उसी की हो जाएगी। पूरे राज्य में खुशी का माहौल छा गया। सारे लोग नुशी से फूले ना समा रहे थे। कोई कह रहा था कि मैं तो सोने के कलश पर हाथ लगाऊंगा, किसी को घोड़ों का शौक था तो वो बोल रहा था घोड़े को हाथ लगाऊंगा,
इसी तरह सारे लोग रात भर यही सोचते रहे कि सुबह वो किस किस चीज को सबसे पहले हाथ लगाएंगे। शिवा, सुबह जैसे ही दरबार खुला, सारे लोगों का राजा ने राज दरबार में स्वागत किया। जैसे ही सबको अंदर आने का आमंत्रण दिया, सभी लोग राजमहल में रखी कीमती चीजों पर झपट पड़े। सबके मन में डर था कि कोई दूसरा पहले आके उनकी पसंदीदा चीजों को हाथ ना लगा दे। कुछ ही देर में दरबार का माहौल बड़ा अजीब हो गया। सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। राजा अपने सिंहासन पर बैठा ये सब देख रहा था और राजा को बड़ा ही आनंद आ रहा था। अचानक एक छोटा सा बच्चा भीड़ से निकल कर आया और राजा की ओर आने लगा। राजा उसे देखकर कुछ समझ नहीं पाया और इतने में वो बच्चा राजा के नजदीक आया और उसने राजा को हाथ लगा दिया। अब राजा उसका हो चुका था, तो इस तरह राजा की हर चीज उसकी हो गई। इसी तरह जैसे राजा ने जनता को मौका दिया, वैसे ही हमारा ईश्वर हमें रोजाना मौका देता है कुछ पाने का, लेकिन हम नादान हैं और ईश्वर की बनाई हुई चीजों को पाने में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। किसी को गाड़ी चाहिए तो किसी को बंगला, किसी को पैसा तो किसी को शान शौकत। रोज भगवान से प्रार्थना में भी भगवान की ही चीजें मांगते हैं। जो लोग सत्य को जान लेते हैं, वो भगवान की चीजें नहीं बल्कि भगवान को ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। भगवान को पा लिया तो उस मालिक की हर चीज आपकी ही हो जाएगी। तो फिर क्यों मूर्खों की तरह दिन रात उसकी बनाई चीजों को पाने में अपना कीमती समय गवाते हो? जी, उस ईश्वर की स्तुति करो, उसे पाने की कोशिश करो, फिर उसकी हर चीज आपकी हो जाएगी। आज के भागते दौड़ते जीवन में लोगों के पास सुख सुविधा की हर चीज है, लेकिन फिर भी काफी लोग अशांत ही है। मन की शांति चीजों से नहीं मिलती है। शांति के लिए हमें गलत इच्छाओं को छोड़ने की जरूरत है। जब तक मन में गलत इच्छाएं रहेंगी, हमारा मन शांत हो ही नहीं सकता है। ये बात एक ग्वाले ने एक राजा को समझाई थी। एक लोक कथा है। कथा एक ऐसे राजा की है जिसके पास धन दौलत, बड़े बड़े महल, शाही खाना, बड़ा राज्य, सुख सुविधा, सेवक और सब कुछ था, लेकिन नहीं थी तो बस शांति। शांति पाने के लिए राजा कुछ न कुछ कोशिश करते रहता था, लेकिन अशांति दूर नहीं हो रही है। एक दिन राजा मानसिक तनाव की वजह से दुखी होकर अपने घोड़े पर चढ़ा और जंगल की ओर निकल गया। राजा अकेला ही था, उसके साथ कोई सैनिक या सेवक नहीं थे। जंगल बहुत ही घना था, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे थे कि सूर्य की रोशनी भी ठीक से नीचे नहीं पहुंच रही थी। जंगल में भटकते भटकते राजा को बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई देने लगी। राजा आवाज सुनकर हैरान था कि घने जंगल में इतनी मधुर बांसुरी की आवाज कहां से आ रही है। कौन है जो इतना शांत है और इतनी मधुर बांसुरी बजा रहा है? राजा बांसुरी की आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगा। थोड़ी ही दूर जाकर राजा ने देखा कि एक ग्वाला पेड़ के नीचे बैठा है और बांसुरी बजा है। ग्वाले के कपड़े भी फटे पुराने थे, माथे पर गमछा लपेट रखा था, उसके चेहरे पर मुस्कान और शांति दिखाई दे रही थी। राजा सोचने लगा कि मैं इतना धनवान हूँ, सेवक है, मुझे सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, फिर मेरे चेहरे पर ऐसी शांति नहीं रहती है जैसी इस गरीब ग्वाले के चेहरे पर है। ग्वाले के आसपास उसकी गाय घास चर रही थीं। राजा ने उस ग्वाले के पास पहुंचा। ग्वाले ने राजा को देखा तो वह खड़ा हो गया और प्रणाम करने लगा। राजा ने ग्वाले से पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम तो इतने शांत हो जैसे तुम्हारे जीवन में कोई दुख ही नहीं है, इतनी मधुर बांसुरी बजा रहे हो, जबकि तुम्हारे कपड़े देखकर लगता है कि तुम काफी निर्धन हो। ग्वाले ने कहा कि राजन, मैं बहुत ही सीधा साधा ग्वाला हूँ, मेरे पास कोई धन दौलत नहीं है और मैं धनवान बनना भी नहीं चाहता, मैं राजा बनना नहीं चाहता। कहने के लिए तो व्यक्ति राजा बन जाता है, लेकिन असल में वह सेवक होता है। पूरे राज्य का और प्रजा का भार उसके ऊपर होता है। गलत इच्छाएं नहीं है तो मैं शांत हूँ। राजा से अच्छा तो मैं गरीब ग्वाला ही बेहतर हूँ, कम से कम मेरे जीवन में शांति तो है। ये बातें सुनकर राजा सोच में पड़ गया। एक ग्वाला इतनी अच्छी बातें कह रहा था। राजा को समझ आ गया कि मेरे पास धन संपत्ति भले ही है, मैं राज्य को और बढ़ाने की कोशिश करते रहता हूँ, प्रजा से नए नए कर के रूप में धन लेने की योजना बनाता हूँ, ऐसी ही गलत इच्छाओं की वजह से मेरा मन अशांत है। ग्वाले ने कहा कि राजन, सच्ची शांति इच्छाओं का त्याग करने के बाद ही मिल सकती है।
जब तक मन में विचार चलते रहेंगे मन अशांत रहेगा। तरह तरह के विचार चलते रहेंगे तो तनाव कभी खत्म नहीं होगा। ग्वाले की बातें सुनकर राजा को शांति पाने का रास्ता मिल गया था। अब राजा ने व्यर्थ इच्छाएं छोड़ दीं, अपने राज्य में ही संतुष्ट रहने लगा तो बहुत ही जल्द उसका मन भी शांत हो गया। अगर हम तनाव दूर करना चाहते हैं तो हमें भी गलत इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, वरना हमें शांति नहीं मिल पाएगी। शांति पाने के लिए गलत इच्छाएं छोड़ें और ध्यान करें। जीवन में समस्याएं आती जाती रहती है, समस्याओं से डरकर रुकना नहीं चाहिए। निरंतर आगे बढ़ते रहने से सफलता मिल सकती है। एक दुखी व्यक्ति ने संत से कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मुझे अपना शिष्य बनाए, क्योंकि मेरे जीवन की समस्याएं तो खत्म ही नहीं हो रही है। सभी के जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है। हर व्यक्ति की अपनी अलग परेशानियां हैं। कुछ लोग इन बाधाओं से डरकर रुक जाते हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि समस्याएं और बढ़ जाती है, जबकि कुछ लोग समस्याओं से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में एक व्यक्ति जीवन की समस्याओं से दुखी होकर एक संत के पास शिष्य बनने के लिए पहुंच गया। दुखी व्यक्ति ने संत से कहा कि मुझे अपना शिष्य बना ले, मैं बहुत परेशान हूँ। संत ने कहा कि ठीक, आज से तुम मेरे शिष्य, अब बताओ क्या परेशानी है। शिष्य ने बताना शुरू किया। उसने कहा कि बचपन में पिता का निधन हो गया, माता और भाई बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। कुछ समय बाद मेरा विवाह हुआ तो वैवाहिक जीवन में भी शांति नहीं मिली। एक समस्या खत्म होती तो दूसरी आ जाती है, इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ, किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती है। संत बोले कि मैं तुम्हारी समस्याओं का हल कल बताऊंगा, अभी विश्राम करो, कल सुबह तुम मेरे साथ चलना। अगले दिन सुबह होते ही नया शिष्य गुरु के पास पहुंच गया। गुरु ने उससे कहा कि मेरे साथ चलो। गुरु अपने नए शिष्य को लेकर नदी किनारे पहुंचे। किनारे पर पहुंचकर गुरु ने कहा कि हमें ये नदी पार करनी है। ये बोलकर गुरु किनारे पर ही खड़े हो गए, शिष्य भी गुरु के साथ खड़ा हो गया। कुछ देर बाद शिष्य ने कहा कि हमें नदी पार करनी है तो हम यहाँ क्यों खड़े हैं। गुरु बोले कि जब ये नदी सूख जाएगी तब ही इसे पार करेंगे, इस समय नदी पार करना आसान रहेगा। शिष्य ये सुनकर हैरान हो गया। उसने कहा कि गुरुजी ये कैसी बात कर रहे हैं? नदी का पानी कैसे और कब सूखेगा? हमें नदी को इसी समय पार कर लेना चाहिए। संत ने कहा कि मैं भी तुम्हें यही बात समझाना चाहता हूँ, जीवन में भी समस्याएं लगातार आती रहेंगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहना है, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। आगे बढ़ते रहेंगे तो समस्याओं के हल भी मिलते जाएंगे, लेकिन एक जगह रुक जाएंगे तो एक भी समस्या हल नहीं हो पाएगी और हमारा जीवन संकटों में फंसता चला जाएगा। मैं से मुक्ति पाने का उपाय है शिव। शिव सृष्टि से परे है, एक ऐसी स्थिति जहां सिर्फ खालीपन है, यानी शून्य, लेकिन यह शून्य भौतिक दृष्टि से नहीं है, यह शून्य मैं के मिट जाने से पैदा होता है। शिव शब्द या शिव ध्वनि में वह सब कुछ विसर्जित कर देने की क्षमता है जिसे आप मैं कहते हैं। वह सब कुछ जिसे आप मैं कहते हैं वह मुख्य रूप से विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं, मान्यताओं, पक्षपातों और जीवन के पूर्व अनुभवों का एक ढेर है। शिव शब्द के पीछे एक पूरा विज्ञान है। यह वह ध्वनि है जो अस्तित्व के परे के आयाम से संबंधित है, उस तत्व जो नहीं है के सबसे नजदीक शिव ध्वनि है। इसके उच्चारण से वह सब जो आपके भीतर है, आपके कर्मों का हांचा, उन सब को सिर्फ इस ध्वनि के उच्चारण से शून्य में बदला जा सकता है। शिव का मतलब है वह जो नहीं है, सृष्टि वह है जो है, सृष्टि के परे सृष्टि का स्रोत वह है जो नहीं है। अगर आप भौतिकता से थोड़ा आगे जाएं, तो सब कुछ शून्य हो जाता है। शून्य का अर्थ है पूर्ण खालीपन, एक ऐसी स्थिति जहां भौतिक कुछ भी नहीं है। जहां भौतिक कुछ है ही नहीं, वहां आपकी ज्ञानेंद्रियां भी बेकाम हो जाती है। तो अगर आप शून्य से परे जाए तो आपको जो मिलेगा उसे हम शिव के रूप में जानते हैं।
शिव का अर्थ है जो नहीं है। जो नहीं है उस तक अगर आप पहुंच पाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी प्रकृति भौतिक नहीं है। इसका मतलब है इसका अस्तित्व नहीं है, पर यह धुंधला है, अपारदर्शी है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह आपके तार्किक दिमाग के दायरे में नहीं है। आधुनिक विज्ञान मानता है कि इस पूरी रचना को इंसान के तर्कों पर खरा उतरना होगा, लेकिन जीवन को देखने का यह बेहद सीमित तरीका है। संपूर्ण सृष्टि मानव बुद्धि के तर्कों पर कभी खरी नहीं उतरेगी। आपका दिमाग इस सृष्टि में फिट हो सकता है, यह सृष्टि आपके दिमाग में कभी फिट नहीं हो सकती। तर्क इस अस्तित्व के केवल उन पहलुओं का विश्लेषण कर सकते हैं जो भौतिक है। एक बार अगर आपने भौतिक पहलुओं को पार कर लिया तो आपके तर्क पूरी तरह से उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे। शब्द के अर्थ के अलावा शब्द की शक्ति, ध्वनि की शक्ति बहुत अहम पहलू है। हम संयोगवश इन ध्वनियों तक नहीं पहुंचे हैं। यह कोई सांस्कृतिक घटना नहीं है। ध्वनि और आकार के बीच के संबंध को जानना एक अस्तित्व संबंधी प्रक्रिया है। हमने पाया कि शी ध्वनि निराकार या रूपरहित यानी जो नहीं है के सबसे करीब है। शक्ति को संतुलित करने के लिए व को जोड़ा गया। अगर कोई सही तैयारी के साथ शी शब्द का उच्चारण करता है तो वह एक उच्चारण से ही अपने भीतर विस्फोट कर सकता है। इस विस्फोट में संतुलन लाने के लिए, इस विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए, इस विस्फोट में दक्षता के लिए व ए व वाम से निकलता है, जिसका मतलब है किसी खास चीज में दक्षता हासिल करना। इसलिए सही समय पर जरूरी तैयारी के साथ सही ढंग से इस मंत्र के उच्चारण से मानव शरीर के भीतर ऊर्जा का विस्फोट हो सकता है। शी की शक्ति को बहुत से तरीकों से समझा गया है। यह शक्ति अस्तित्व की प्रकृति है। शिव शब्द के पीछे एक पूरा विज्ञान है। यह वह ध्वनि है जो अस्तित्व के परे के आयाम से संबंधित है। उस तत्व जो नहीं है के सबसे नजदीक शिव ध्वनि है। इसके उच्चारण से वह सब जो आपके भीतर है, आपके कर्मों का ढांचा, मनोवैज्ञानिक ढांचा, भावनात्मक ढांचा, जीवन जीने से इकट्ठा की गई छापें, वह सारा रेर जो आपने जीवन की प्रक्रिया से गुजरते हुए जमा किया है, उन सब को सिर्फ इस ध्वनि के उच्चारण से नष्ट किया जा सकता है और शून्य में बदला जा सकता है। अगर कोई जरूरी तैयारी और तीव्रता के साथ इस ध्वनि का सही तरीके से उच्चारण करता है तो यह आपको बिल्कुल नए आयाम में पहुंचा देगा। शिव शब्द या शिव ध्वनि में वह सब कुछ विसर्जित कर देने की क्षमता है जिसे आप मैं कहते हैं। वह सब कुछ जिसे आप मैं कहते हैं, वह मुख्य रूप से विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं, मान्यताओं, पक्षपातों और जीवन के पूर्व अनुभवों का एक ढेर है। अगर आप वाकई अनुभव करना चाहते हैं कि इस पल में क्या है, अगर आप वाकई अगले पल में एक नए आयाम में कदम रखना चाहते हैं, तो यह तभी हो सकता है जब आप खुद को हर पुरानी चीज से आजाद कर दें, वरना आप पुरानी हकीकत को ही अगले पल में खींच लाएंगे। रोज हर पल कई दशकों का भार घसीटने का बोझ जीवन से सारा उल्लास खत्म कर देता है। ज्यादातर लोगों के लिए बचपन की मुस्कुराहटें और हंसी नाचना गाना जीवन से गायब हो गया है। अगर आप एक बिल्कुल नए प्राणी के रूप में आने वाले कल में अगले पल में कदम रखना चाहते हैं तो शिव ही इसका उपाय है। लोग ईमानदार रहते हैं, ज्यादा के लालच में नहीं पड़ते हैं, उन्हें देर से ही सही लेकिन सफलता जरूर मिलती है। एक राज्य में अकाल पड़ा तो राजा भूखे लोगों को दे रहे थे रोटियां। सभी लोग बड़ी बड़ी रोटियों के लिए झगड़ रहे थे। एक छोटी बच्ची भी रोटी लेने के लिए खड़ी थी, उसे सबसे छोटी मिली, वह इसमें भी खुश हो गई। जो लोग ईमानदार है उन्हें देर ही सही लेकिन सफलता जरूरत मिलती है। इसीलिए इस गुण को छोड़ना नहीं चाहिए। बेईमानी से कुछ पलों का लाभ मिल सकता है, लेकिन भविष्य में इसकी वजह से परेशानियां जरूर होती है। ईमानदारी का महत्व बताने वाली एक लोक कथा प्रचलित है। प्रचलित लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक राज्य में अकाल पड़ गया। राज्य के लोगों का खाना खत्म हो गया, लोग भूखे मर रहे थे। तब वहां के राजा ने प्रजा को रोटियां देना शुरू कर दिया। जब ये बात पूरे राज्य में फैल गई तो राजा के महल में लोगों की भीड़ लगने लगी। सभी लोग बड़ी बड़ी रोटियां पाने के लिए झगड़ते थे। एक दिन रोटी लेने के लिए
एक छोटी लड़की भी महल पहुंची। जब सारे लोग रोटियां लेकर चले गए तब राजा के पास एक ही सबसे छोटी रोटी बची थी। राजा ने वह रोटी उस बच्ची को दे दी। इसके बाद कुछ दिनों तक ऐसा ही हुआ। राजा उस बच्ची के लिए एक रोटी बचाकर रखते थे। एक दिन ने बच्ची को रोटी दी तो वह दौड़कर अपने घर पहुंची। घर पहुंचकर उसकी माँ ने रोटी देखी तो उसमें एक मूल्यवान रत्न था। महिला ने अपनी बच्ची से कहा कि बेटी ये रत्न राजा को लौटा कर आ जाओ, शायद ये गलती से रोटी में लगकर हमारे पास आ गया है। छोटी बच्ची तुरंत ही राजमहल पहुंच गई। सैनिकों ने राजा बताया कि एक छोटी बच्ची आपने मिलना चाहती है। राजा उस बच्ची के पास पहुंचे। बच्ची ने राजा से कहा कि आपने जो रोटी मुझे दी थी उसमें ये रत्न भी आ गया था, मैं आपको ये रत्न लौटाने आई हूँ। राजा बच्ची की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और उसे अपने महल में ही रहने के लिए जगह दे दी। उस बच्ची और उसकी माँ के लिए खाने पीने का इंतजाम कर दिया। बच्ची की पढ़ाई की भी व्यवस्था राजा ने कर दी। बड़ी होकर वही लड़की राजा की उत्तराधिकारी भी बनी। कथा की सीख। इस छोटी सी कथा की सीख यही है कि जब जीवन में मुश्किल समय आता है तब भी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। देर से ही सही, लेकिन ईमानदारी का अच्छा फल जरूर मिलता है।